स्पेसिफिक अबाउट थैलेसीमिया. थैलेसीमिया इज अ ह्यूमन एनीमिया ड्यू टू एन ऑटोसोमल म्यूटेंट जीन, एंड व्हेन दिस जीन इज प्रेजेंट इन डबल डोज द डिजीज इज सर्व थैलेसीमिया मेजर विद डेथ अकरिंग इन चाइल्डहुड. हेट्रोजाइगस पर्सन, सो अ माइल्डर डिजीज थैलेसीमिया माइनर और ऑल्सो कॉल्ड कुलीज एनीमिया. द पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया मेजर आर अनेबल टू प्रोड्यूस बीटा चेन. देयर हीमोग्लोबिन कंटेन्स डेल्टा चेन लाइक दैट ऑफ फीटस विच इज अनेबल टू कैरी आउट नॉर्मल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग फंक्शन. थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज. ये एक सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती है, ऑटोसोम्स पे होती है, और ये एक रिसेसिव ब्लड डिजीज है, यानी कि जब दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे रिसेसिव, तभी डिजीज एक्सप्रेस होगी. इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनइफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हेट्रोजाइगस. ये तभी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है जब मेल और फीमेल दोनों कैरियर हों उसके. इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमियाज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. द आरबीसीज आर स्मॉल माइक्रोसाइटिक पेल एंड शॉर्ट लिव्ड. थैलेसीमिया अकर्स प्राइमरीली इन पॉपुलेशन फ्रॉम कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरियन सी. इट इज़ एन इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन विच कॉजेज द रेड ब्लड सेल्स टू ब्रेक डाउन टू ईजिली. द डिजीज इफेक्ट बोथ सेक्स इक्वली. तो मेल और फीमेल दोनों पे इस डिजीज़ का बराबर इफेक्ट पड़ता है, और ये एक इनहेरिटेड एबनॉर्मलिटी है हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो बहुत ईजिली ब्रेक कर जाती हैं रेड ब्लड सेल्स. थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द फॉर्मर इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल, वाइल द लेटर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन. तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जिसमें आरबीसीज 1/3 सिकल शेप्ड हो जाती हैं, जबकि अगर हम इसकी बात करें थैलेसीमिया की, तो ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जिसमें कि ग्लोबिन जो है वो फंक्शन सही से नहीं करता, उसका सिंथेसिस इनकरेक्टली होती है. इन थैलेसीमिया एब्सेंस और रिड्यूस सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन रिजल्ट इन एन एक्सेस ऑफ द अदर. एज अ रिजल्ट फ्री ग्लोबिन चेन विच आर इनसॉल्युबल एक्युमुलेट इनसाइड द रेड सेल एंड फॉर्म प्रेसिपिटेट विद डैमेज द सेल कॉजिंग सेल लाइसिस एंड रिजल्टिंग इन एनीमिया. थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज इफेक्टेड. इन एल्फा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ एल्फा ग्लोबिन चेन इज इफेक्टेड, वाइल इन बीटा थैलेसीमिया प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज इफेक्टेड. तो दो तरीके का थैलेसीमिया, एल्फा और बीटा होता है, जिसमें कि एल्फा थैलेसीमिया में एल्फा ग्लोबिन चेन इफेक्टेड हो जाती है, जबकि बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन इफेक्टेड हो जाती है. एल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाई टू क्लोजली लिंक्ड जीन HBA1 एंड HBA2 ऑन क्रोमोसोम 16 ऑफ ईच पेरेंट. एल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल किया जा सकता है दो बहुत ही क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं, एक तो होता है HBA1 और दूसरा HBA2. ये क्रोमोसोम्स नंबर 16 पे पाए जाते हैं मदर में भी और फादर में भी. एल्फा थैलेसीमिया रिजल्ट इज डिक्रीज्ड एल्फा ग्लोबिन प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन एक्सेस ऑफ बीटा चेन इन एडल्ट एंड एक्सेस गामा चेन इन न्यूबॉर्न. द एक्सेस बीटा चेन फॉर्म अनस्टेबल टेट्रामर्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन एच विच हैव एबनॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाई अ सिंगल जीन HBB ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट. तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो HBB जीन से कंट्रोल होती है, जो क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है मेल और फीमेल में. इन बीटा थैलेसीमिया फॉर्मेशन ऑफ बीटा चेन इज आइदर प्रिजर्व्ड बीटा जीरो और बीटा थैलेसीमिया मेजर और अ फ्यू बीटा चेन फॉर्मेशन अकर्स बीटा प्लस और बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया.
In either case, there is a relative excess of alpha chain, but these do not form tetramers. तो अल्फा थैलेसीमिया में तो टेट्रामर बनता है, लेकिन बीटा थैलेसीमिया में टेट्रामर का फॉर्मेशन नहीं होता है. दे बाइंड टू द रेड ब्लड सेल्स मेम्ब्रेन, कॉजिंग मेम्ब्रेन डैमेज, एंड एट हाई कंसंट्रेशन दे फॉर्म टॉक्सिक एग्रीगेट्स मीन्स ग्रुप. Thalassemia is a human anemia due to an autosomal mutant gene, and when this gene is present in double dose, the disease is served thalassemia major with death occurring in childhood. Heterozygous persons, so a milder disease, thalassemia minor, or also called Cooley's anemia. The person suffering from thalassemia major are unable to produce beta chain. Their hemoglobin contains delta chain like that of fetus, which is unable to carry out normal oxygen transporting function. Thalassemia is an autosomal linked recessive blood disease. ये एक सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं होती है, ऑटोसोम्स पे होती है, और ये एक रिसेसिव ब्लड डिजीज़ है, यानी कि जब दोनों जीन एक्सप्रेस होंगे रिसेसिव, तभी डिजीज़ एक्सप्रेस होगी. इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन हेट्रोजाइगस. ये तभी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है जब मेल और फीमेल दोनों कैरियर हों उसके. इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी हीमोलाइटिक एनीमिया.